हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं टेक इंडियन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो का नाम है टॉप 10 टेक अंडर 100 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 10 ऐसी चीजें जो आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दुनिया को आसान बना सकते हैं, और ये सभी 10 की 10 चीजें आपको मिल जाएंगी 100 रुपए के अंदर। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप वहां से जाके कोई सी भी चीज को खरीद सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी चीजें आपको 100 रुपए के अंदर मिल जाती हैं, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है किसी भी चीज का थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो जाए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी इस वीडियो को 100 लाइक मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए हर महीने ऐसी ही एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारी पहली आइटम से, जो कि है ये। तो हमारी इस लिस्ट में पहली चीज है ये फ्लेक्सिबल मोबाइल होल्डर हैंगर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही मजबूत एक होल्डर है जो आपके स्मार्टफोन को पूरी तरह से होल्ड कर सकता है और आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको कैसे अपने स्मार्टफोन को इसमें एडजस्ट करके होल्ड करवाना है, और आप उसके बाद इसको कहीं भी टांग सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूं। तो ये एक बहुत ही कूल गैजेट है मेरे हिसाब से 100 रुपए के अंदर अंदर। आप देख सकते हैं मैंने अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग करते वक्त अडाप्टर के साथ में ही टांग दिया है। दूसरी जो आइटम है हमारी इस लिस्ट में, वो भी एक मोबाइल होल्डर है या फिर स्टैंड कह लीजिए आप। तो ये भी एक फ्लेक्सिबल वायर की तरह है, आप इसमें अपने स्मार्टफोन को रख के कहीं भी आराम से कोई मूवी वगैरह देख सकते हैं या फिर अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है, काफी कंफर्टेबल है, काफी स्ट्रांग है, और किसी भी साइज के स्मार्टफोन को आप इसमें होल्ड कर सकते हैं और गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये किस तरह से काम करती है। ये फ्लेक्सिबल वायर है, आप इसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसके एंगल्स को और इसकी हाइट को, और जो इसका स्टैंड है आप इसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं किसी भी टेबल पर, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूं। तो ये काफ़ी कूल गैजेट है और काफ़ी मेरे काम आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर टेबल पर इसको स्टैंड बना के लगा दिया है, और मैं यहाँ पे कोई भी मूवीज वगैरह अपने फ़ोन में आराम से बैठ के दूर देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या फिर वीडियो शूट करने के लिए, और आप इसको किसी भी एंगल पे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। खास बात ये है कि ये लगभग 360 डिग्री के एंगल्स पर घूमता है, तो इसके बाद भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और आप वायर को तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है एरिया कवर करने के लिए भी दे देता है। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ। अगली जो गैजेट है हमारी इस लिस्ट में, वो है जिपर ईयरफोन्स। जी हाँ दोस्तों, आपने ईयरफोन्स तो बहुत देखे होंगे, मगर ऐसा जिपर ईयरफोन आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं, ये एक ईयरफोन है, नॉर्मली आपको 100 रुपए के आसपास मिल जाएगा, और इसमें जिपर लगा हुआ है। आप अपने ईयरफोन्स को दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, जितने भी आप इसको खोलना चाहें, बंद करना चाहें। और खास बात यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग इसकी जो वायर है वो सिंगल वायर है, और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको लगाने में। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माइक, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इक्विलाइजेशन का भी, जिसमें आप दो तरह से गानों को सुन सकते हैं। और मेरे को ये ईयरफोन्स काफ़ी पसंद आए, काफ़ी कूल हैं और कुछ हटके हैं, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे मैंने आपको बताया। तो 100 रुपए में ये बुरी चीज़ नहीं, नॉर्मली इसकी आवाज़ तो जो नॉर्मल ईयरफोन्स की होती है आपको मार्केट में मिल जाते हैं वैसे ही है। अगर आप अपने दोस्तों के सामने इस जिपर ईयरफोन्स को लगाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिए। अगली जो गैजेट हमारी इस लिस्ट में है, वो है नॉर्मल एक पेन। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने है नॉर्मली एक बॉल पेन। आप कहेंगे कि ये क्या खास बात है जो मैंने इसको अपनी लिस्ट में रखा है। नॉर्मली इसमें आपको 3 कलर मिल जाते हैं, ब्लैक और रेड और ब्लू, लेकिन इस पेन में खासियत है कि ये आपके स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एक स्टिक की तरह अपने स्मार्टफोन पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कुछ फोन्स के साथ एक पेन या फिर स्टिक आती है, उसी तरह से ये पेन आपके सभी स्मार्टफोन्स में स्टिक का काम करेगा। और आप देख सकते हैं मैं काफ़ी स्मूथली अपनी टच स्क्रीन को यूज़ कर पा रहा हूँ इस पेन की मदद से। और अगर आपकी उंगलियाँ थक गई हैं तो आपके लिए ये बहुत ही
कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये काफी स्मूथली आपके सभी स्मार्टफोन्स पर वर्क करेगा। तो 100 रुपए में ये कोई बुरी गैजेट नहीं है। हमारी इस लिस्ट में अगली जो गैजेट है वो भी काफी कूल है। हमारे पास यहाँ पर है एक मोबाइल रिंग स्टैंड। जी हाँ, आप इसको 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं अपने फोन को स्टैंड करने के लिए। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आप अपने फोन को दोनों ही तरह से खड़ा कर सकते हैं और अपने फोन में मूवीज वगैरह देख सकते हैं, या फिर आपका फोन काफी कूल लगता है जब आपका फोन ऐसे 90 डिग्रीज पर खड़ा हो। तो ये फोन को काफी अच्छी तरह से संभाल लेता है, ये काफी स्ट्रांग है और आपके कितने भी बड़े साइज के फोन का वजन आराम से झेल लेता है। तो यहाँ पे आप अपने फोन को खड़ा करके मूवीज देख सकते हैं और काफी ये अच्छा लगता है, अलग है, कूल है। और यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करके इसके एंगल को किसी भी एंगल पर अपने फोन को स्टैंड कर सकते हैं बिना किसी सहारे के। तो मैं आपको बता दूं, इसकी खास बात ये भी है कि आप इसको रिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे आप जब अपने फोन को इसको रिंग की तरह पकड़ते हैं तो आपको काफी मजबूत सी ग्रिप मिल जाती है। और अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप अपने फोन को आराम से पकड़ के जा सकते हैं और आपका फोन गिरने का भी खतरा नहीं रहता। हमारी इस लिस्ट में अगली गैजेट है, काफी कूल गैजेट है, वो है 3.5 mm जैक स्प्लिटर। जी हाँ दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने फोन में दो ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही समय पर। वैसे तो आप नॉर्मली 3.5 mm एक ही जैक आपको फोन में मिलता है, लेकिन इस स्प्लिटर की मदद से आप दो ईयरफोन्स को एक ही साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक ही फोन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन में एक ही साथ म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल गए हैं दो ईयरफोन्स कनेक्ट करने का मौका एक ही फोन के अंदर। अगली जो चीज है हमारे पास वो है एक OTG केबल। जी हाँ दोस्तों, आप OTG केबल भी खरीद सकते हैं, ये भी आपको 100 रुपए के अंदर मिल जाती है। आप इसकी मदद से अपने स्मार्टफोन के साथ काफी सारे USB डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने OTG केबल के 12 यूजेस पर एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो अगली गैजेट जो है वो काफी कूल गैजेट है और काफी यूजफुल गैजेट है, जो कि हमें 100 रुपए के अंदर देखने को मिल जाती है। ये है एक SD कार्ड रीडर। जी हाँ, आप एक SD कार्ड रीडर को जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत काम आता है। आप अपने SD कार्ड को इसमें लगा के अपने PC या लैपटॉप से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द गो, और आप OTG केबल की मदद से अपने स्मार्टफोन में ही इस कार्ड रीडर को लगा के अपने दोस्तों के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन में काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। अगली जो गैजेट है वो हमारे पास है एक USB फैन। तो मैं कहूंगा कि ये USB फैन काफी यूजफुल है। ये फ्लेक्सिबल USB फैन है जो कि गर्मियों में काफी काम आता है। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो ये USB फैन जरूर होना चाहिए। इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है और ये 100 रुपए के अंदर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। अगली जो गैजेट है वो हमारे पास है एक USB लाइट। ये भी एक फ्लेक्सिबल USB लाइट है USB फैन की तरह, और ये आपको 100 रुपए में अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। लिंक मैंने सभी गैजेट्स का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो लाइट है इसकी रोशनी काफी अच्छी है और आपके स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप में आप इसको लगा के यूज कर सकते हैं एज अ लैम्प। तो मेरे पास तो ये काफी टाइम से है और मैं इसको काफी यूज करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।